सीखना जरूरी है। ये जो क्वेश्चन है वो रेफ्रिजरेटर का है। रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहा है और वो 600 कैलोरी हीट लिया है। टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर स्पेस कॉन्स्टेंट फाइंड द पावर रिक्वायर्ड। मतलब अगर मैं रिमूव 6 कैलोरी हीट एवरी सेकेंड, मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये रेफ्रिजरेटर है प्यारे बच्चों, यहाँ से हमने इस पे वर्क W किया, ये Q2 है और ये T2 है और ये Q1 है और ये T1 है। इट रिमूव 600 कैलोरी हीट, समझना 600 कैलोरी हीट रिमूव करता है एवरी सेकेंड है। और ये जो है ये हम लोगों का रेफ्रिजरेटर के अंदर ये जो है वो रूम होता है और ये एप्पल या मटेरियल होते हैं जहाँ ये रखे जाते हैं। तो जो डिलीवर कर रहा है, रिमूव कर रहा, तो रिमूव जो कर रहा है इसका मतलब ये हुआ Q1 की वैल्यू दी हुई है। रिमूव कर रहा है इसका मतलब ये जो हीट है वो रिमूव हीट है, यहाँ से हीट ऐसे जाती है, एरो ऐसे होता है। तो ये जो Q1 है वो हमारा 600 कैलोरी आपको दे दिया गया है। टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रूम को हमें कांस्टेंट रखना। अब आपको ये सोचना है कि 4 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस में कौन सा कहाँ आएगा टेम्परेचर यार। तो ये जो है वो हमारा फ्रिज के अंदर वाला पार्ट है जहाँ एप्पल मटेरियल लता है, तो ये कम टेम्परेचर होता है तो T2 कम होता है, तो यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो T2 आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस प्लस 270, इसमें ऐड कर दो 270 थी तो ये आ जाएगा 277। अब ये जो T1 है वो हाईर टेम्परेचर पर होता है, रूम होता है, एटमोस्फियर है, वो है 30 डिग्री सेल्सियस। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 30 प्लस 273, तो 30 प्लस 273 तो ये आ जाएगा 303 केल्विन, 303 केल्विन। तो ये जो डेटा है एक्चुअली हमें मिल गया गिवन क्वेश्चन से। हमारा टारगेट क्या, टारगेट पहचान पावर निकालना है। तो पावर कैसे निकालते हैं भैया, पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टी। जब तक वर्क डन अपॉन टाइम टी, तो मतलब ये जो है इसका वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो वर्क डन निकालने के लिए इसको, इसका रेफ्रिजरेटर का कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा, इफिशियंसी कैसे डिफाइन करते हैं, हीट एक्सट्रैक्टेड, कितना हीट लिया गया, Q2 लिया गया, वर्क डन ऑन दिस रेफ्रिजरेटर, ये एक्चुअली हीट एक्सट्रैक्टेड है, एक्सट्रैक्टेड, इसको मैं निकाल दिया हूं। और मैं W वर्क डन Q1 माइनस Q2, तो बेसिकली जो बीटा है वो Q2 W 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से मुझे W पता चल जाएगा यार। तो वैल्यू डाल दो, तो 1 माइनस T2, T2 देखो इधर कहाँ गए भाई T2 तुम, तो 277 एंड ये 303, अब ये तो यार सबको कैलकुलेट करने आता होगा, तो ये आ जाएगा 303 में 277 घटा दो तो ये आ जाएगा 26 और 303 Q2 बाई W। यहाँ से मुझे वर्क डन जो आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू 303 डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई Q2, दिस इज द वर्क डन। अब हमें पावर चाहिए, तो वर्क डन पर यूनिट पर सेकेंड पूछा गया ना, टाइम दिया होगा पर सेकेंड, पावर रिक्वायर्ड पर सेकेंड, देखो एवरी सेकेंड दिया हुआ ऑर्डर टू की, तो एवरी सेकेंड के लिए टी की वैल्यू 1 रख दें, तो वर्क डन यहां से उठा के लेके आओगे तो पावर जो आ जाएगा हम लोग के पास 303 डिवाइडेड बाई 26 मल्टीप्लाइड बाई 600 केल्विन, और ये 600 ध्यान देना कैलोरी में है, तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो जूल से। अब इसको काट कुट लेना तो ये आ जाएगा, फाइनली इसको काट लेना 236.5 वाट, दिस इज द पावर ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर पर सेकेंड, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में